हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आकाश और आप देख रहे हैं आकाश लेक्चर ऑनलाइन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कक्षा 11वीं का इंग्लिश का पेपर जो आपके लिए बहुत कठिन दिख रहा है। मैं आपके लिए सॉल्व करके दिखाऊंगा, आप आंसर लिख लेना। तो उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फटाफट वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों को भी शेयर कर दें, थोड़ा सा उनका भी भला हो जाए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। आज हम सेट डी है जो इंग्लिश का, वो सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन, जैसा आपको दिख रहा है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो आपको यहाँ पे एक अनसीन दिख रही है, आपको इसे अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। उसके बाद आपको नीचे क्वेश्चन दिखेंगे, ठीक है? तो आप क्वेश्चन के आपको आंसर लिखना है, पृष्ठ एक और पृष्ठ दो। तो अब आप आंसर क्या लिखेंगे, कैसे आंसर लिखिए, मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको इस अनसीन को पढ़ लेना है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। पढ़ने के बाद आपके सामने क्वेश्चन इस प्रकार से दिखेंगे, वन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द गिवन फॉलोइंग बाय चूसिंग द बेस्ट आउट ऑफ द गिवन चॉइस। तो पहला है आपके सामने, तो पहले का आंसर आपको लिखना है कोरोना वायरस। क्या लिखना है? कोरोना वायरस पेंडेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज PUS स्टैंड फॉर? तो इसका मतलब होता है पब्लिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस। तो मैंने आपको दो क्वेश्चन के आंसर बता दिए, फटाफट वीडियो को लाइक करते जाइए, मैं सारे क्वेश्चन के आपको आंसर देने वाला हूँ, घबराइएगा नहीं, पूरे आंसर आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू न्यूज़पेपर कंसीडर फॉर पब्लिकेशन रिलेटेड टू कोरोना वायरस? भैया इसका आंसर है मस्ट फिट देयर एम्स एंड स्कोप। तो हम यहाँ पर पहला वाला को टिक कर देंगे, तीन क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए हैं। तो बढ़िया बढ़िया लाइक करते जाइए, साथ में चैनल पर सब्सक्राइब करते जाइए। फोर्थ वाला, व्हेन डिड द फर्स्ट इशू ऑफ PUS पब्लिश? 1992। क्या है? 1992। यहाँ आप लिख दीजिए जनवरी 1992। नेक्स्ट है, PUS इज इंटरेस्टेड इन पब्लिशिंग। तो इसका आंसर है, फिफ्थ का आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। ओके, नेक्स्ट है सिक्स वाला, कोरोना रिलेटेड स्टडी शुड स्टडी कुड बी एनालिसिस ऑफ साइंस इन सोसाइटी, मीडियलाइजेशन ऑफ साइंस एंड को प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज ऑल ऑफ दी अबव। ओके, नेक्स्ट है बी वाला है, राइट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू आर फॉल्स। मतलब आपको ट्रू फॉल्स लिखने हैं, आपके सामने स्टेटमेंट दिए हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, आपको यह इसमें सही और गलत बताना है। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तो बी है, वी आस्क टू स्पीड अप प्रोसेसिंग एंड पब्लिकेशन ऑफ कोरोना क्राइसिस रिलेटेड सबमिशन। तो भैया ये ट्रू है, लिख लो ट्रू। द लिस्ट ऑफ रिलेवेंट कोरोना रिलेटेड टॉपिक्स इज ऑलमोस्ट एंडलेस, ट्रू। अवर इंटरेस्ट इन कोरोना वायरस रिलेटेड स्टडी विल फेड क्विकली, फॉल्स। द एडिटर इज होपफुल अबाउट मैन्युस्क्रिप्ट सबमिशन, ट्रू। रीडर में भी इंटरेस्टेड इन टॉपिकल इशू। तो भैया ये वाला आपको, फिफ्थ वाला आपको बताना है ट्रू है कि फॉल्स है। फटाफट वीडियो को लाइक करोगे तो आपको भी मजा आएगा, मुझे भी मजा आएगा आपको सॉल्व कराने में। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। उसके बाद आपको फिर से एक अनसीन दी गई है, आपको अनसीन को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। मैंने पढ़ लिया है, अब आपको भी पढ़ लेना है। चलो ठीक है, आपने भी पढ़ लिया, बहुत बढ़िया। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी एट। आपको एट क्वेश्चन करना है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू किड्स प्ले ऑन नाउज डे? ठीक
ठीक है, तो ऑल ऑफ दी अबव, व्हाट इज दी परसेंटेज ऑफ पीपल चूजिंग रिड्यूस आउटडोर एक्टिविटीज, तो इस यहाँ पे लिखो आप 25%. Which response has been selected by the least number of parent and teacher? तो थर्ड का आपको लिखना है एनहांस क्रिएटिविटी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. फोर्थ वाला, whom participate in debate on the benefit and disadvantage in of technology? तो इसका आंसर भी क्या है, all of the above. Right were from creativity. तो भैया इसका आंसर आ जाएगा क्रिएट. क्या आ जाएगा, क्रिएट आंसर. गिव द नाउन फॉर्म ऑफ वायलेंट, इसका आ जाएगा वायलेंस. क्या आ जाएगा, वायलेंस. व्हाट विल बी द एनाटॉम ऑफ डिसएडवांटेज, तो इसका आ जाएगा एडवांटेज. इतना लिख लो, डिस हटा दो, डिस को क्या कर दो, गोली मार दो. डिस को क्या कर दो, गोली मार दो. एडवांटेज लिख लो. ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बहुत बढ़िया. लो एडवांटेज लिख लो अकेला. नेक्स्ट है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव. दिस एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी इज ऑल ऑफ दी अबव. आपको 8 क्वेश्चन करने हैं, कोई सा भी आप एक छोड़ सकते हैं जो आपको छोड़ना हो. क्वेश्चन नंबर 3, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, तो आपको अच्छे से इस पैसेज को पढ़ लेना है. इसके बाद आपको क्या करना है, मैं आपको बता रहा हूँ. यहाँ पे लिखा है कि भैया आपको नोट्स बनाना है और समरी लिखना है और टाइटल भी लिखना है. तो भैया जो टाइटल है, टाइटल लिखिएगा, आंसर डालकर टाइटल लिखिए. टाइटल क्या लिखोगे, स्टडी ऑफ कलर. टाइटल क्या लिखोगे, स्टडी ऑफ कलर. ठीक है, लिख लिया टाइटल. अब इसके बाद हम नोट्स बनाएंगे, तो पहले नोट्स में लिखेंगे हम स्टडी ऑफ कलर्स. ओके, नेक्स्ट नोट्स में लिखेंगे कलर इज बेसिक टू ऑल. कलर इज बेसिक टू ऑल. ठीक है, दो नोट्स हो गए. तीसरे नोट्स में लिखेंगे, नोट्स के थर्ड पॉइंट लिखेंगे कलर इन आवर लाइफ. कलर इन आवर लाइफ. फोर्थ पॉइंट में लिखेंगे हम कलर आर बिग बिजनेस. कलर्स आर बिग बिजनेस. तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं. ठीक है, अब पांचवा पॉइंट हम बता नहीं रहे, जगह कम है, तो चार पॉइंट आप लिख सकते हैं. एक नंबर का आपका टाइटल हो गया और चार पॉइंट लिख सकते हैं. ठीक है, अगर आपको पांचवा पॉइंट लिखना है तो लिख लो सम कलर साइंटिफिकली. ठीक है, देखो बता देते, लिख के सम कलर साइंटिफिकली. ठीक है, नेक्स्ट है राइट अ शॉर्ट समरी ऑफ दी अबव पैसेज. ये ए वाला हमने करा दिया, बी वाला देख लो. तो हमें एक छोटा सा क्या चाहिए, खाली जगह. चलो लिखना स्टार्ट करना, मैं बोलता हूँ आपको. आपको लिखना है The study of color, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से लिखना है, परेशान नहीं करना आपको. ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ. देखिए यहाँ से लिखना आपको The study of color, यहाँ तक, कहाँ तक लिखना है, साइंटिफिक फैक्ट. ठीक है, आपको यहाँ से डायरेक्ट यहाँ तक लिखना है, कंटिन्यू लिखना है. ठीक है, लिख लिया इतना, उसके बाद आपको लिखना है यहाँ से स्विच से लिखना है आपको. ठीक है, ओवर 20 ईयर, 20 ईयर लिख लिया. ठीक है, बहुत बढ़िया. फिर यहाँ तक लिख लेना आप. ठीक है, इसके बाद लिखना है अकॉर्डिंग टू यूजर पीपल हूँ, यहाँ तक लिख लेना. ठीक है, हूँ चूज रेड आर एनर्जेटिक एंड एडवांटेजस लुकिंग फॉर एक्साइटमेंट, यहाँ तक लिख लेना. उसके बाद आपको क्या लिखना है, मैं आपको बता दिया, इतना तो आपने उसी में से टिप लिया. अब लिखो क्या लिखो, मैं आपको बताता हूँ क्या लिखना है. आपको लिखना है, लिखना कोई कलर यूज कर लें क्या दूसरा. ठीक है, आप लिखो, उसके बाद ही लिखना कंटिन्यू कलर
कलर हैविंग डिफरेंट मीनिंग इन लाइफ, कलर्स हैविंग डिफरेंट मीनिंग इन आवर लाइफ्स। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है लाइक ट्रैफिक सिग्नल, लाइक ट्रैफिक सिग्नल। मैं बोलते जा रहा हूँ, आप लिखते जाओ। इन ट्रैफिक सिग्नल कलर इज इम्पोर्टेंट, कलर इज प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है डिफरेंट कलर मीनिंग इज डिफरेंट। ओके, इतना आपको लिख देना है। इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक चार करेंगे। प्रश्न क्रमांक चार क्या बोल रहा है? तो भैया प्रश्न क्रमांक चार हम देखेंगे, फिल इन दी ब्लैंक्स, चूज दी करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन दी ब्रैकेट। तो आई कैन नॉट डू एनीथिंग एज आई हैव वेरी लिटिल टाइम। लिटिल पर टिक कर लो, बहुत बढ़िया, टिक कर लिया, बहुत बढ़िया। माई फादर टीचर इन आ यूनिवर्सिटी, क्या लिखोगे? आ यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है नताशा आंसर डॉट 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 दी फाइव क्वेश्चन करेक्टली। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? ऑल। क्या लिखोगे? ऑल। वुड यू लाइक टू हैव सम केक, क्या लिखोगे? सम। द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन वी हैड रीच, की रीच, तो भैया रीच आएगा। ठीक है, इट वाज रेनिंग व्हाइल वी डॉट 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 प्लेड। तो भैया इसमें से पांच करने, तो हमने पांच कर लिए। ठीक है, चटवा हमने छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, डू एस डायरेक्ट, क्या है डू एस डायरेक्ट? तो थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, तो आप लिखते जाइएगा। ठीक है, मैं बोलते जाऊंगा, आप लिखते जाइएगा, साथ साथ मैं भी लिख दूंगा, ऐसी बात नहीं है। आपको पहला का लिखना है आंसर, फटाक से लिखना आप। आ लेटर इज बीइंग रिटन वाई हर। ठीक है, लिख लिया क्या? ठीक है, साफ कर दें। ओके, नेक्स्ट है दे लिव इन दी हाउस, तो इसका क्या लिखोगे? दे लिव्ड, जो ई है ई के बाद क्या लगा दो? डी लगा दो अकेला। जो लिव लिखा है ना, लिव की जगह क्या लिख दो? लिव्ड। ठीक है, और बाकी ज्यों का त्यों, तो किस में चला जाएगा? सिंपल पास्ट में। ओके, इतना कंफर्म है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सी, ही स्पीक्स द ट्रूथ। तो भैया हम थर्ड वाला ना करके थर्ड वाला कर लेते, चलो ही स्पीक्स द ट्रूथ द जज विल पैराडॉन हिम। तो आपको लिखना है अनलेस, क्या लिखना है? अनलेस, अनलेस ही स्पीक The truth, the judge will not pardon. The judge will not pardon. ठीक है, तो आपको ऐसा लिख लेना है, जल्दी से लिख लो। लिख लिया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद वाज अ ग्रेट सेंट ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे? ग्रेटेस्ट करना है, क्या करना है? ग्रेटेस्ट, ई टी के बाद ई और एस टी। ठीक है, ई एस टी लगा देना आपको, बस सिंपल और कुछ नहीं। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको लिखना है आई वॉन्ट इट आई बिकम अ डॉक्टर,
अंडरलाइन द ऑड वन आउट, तो अपन ये वाला करेंगे और जो पहला वर्ड लिखा है वो आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने पांच क्वेश्चन इस प्रकार कर लिए हैं। छठवें क्वेश्चन पर आते हैं। फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नया सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों को शेयर जरूर कर दो। तो जो छठवां क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम तो लगेगा, इंग्लिश का क्वेश्चन है, दी रेन ड्रॉप। ठीक है, तो छठवें का पहला है हूँ आई इन दी फर्स्ट लाइन, तो दी रेन ड्रॉप, व्हाट डज दी रेन सेल इट्स सेल्फ, दी पोएम ऑफ दी अर्थ, दी पोएम ऑफ दी अर्थ, Who has written the poem The Voice of the Rain? Walt Whitman. Next question है आपके सामने, आपके लिए एक अनसीन दी गई है, एक्सट्रैक्ट दिया गया है, उससे आपको आंसर लिखने हैं। तो आप इसको पढ़ लेना, मैंने पढ़ लिया है और इसके आंसर निकाले हैं। Who's round the word voice did the writer want to duplicate? तो इसका आंसर लिखना है कैप्टन जेम्स कुक, सी वाला ऑप्शन लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द रिटर्न स्टार्ट हिज वॉइस, तो इसका आंसर है जुलाई 1976। थर्ड वाला देख लेते हैं, थर्ड वाला आंसर है ए, तो फटाफट लगा लीजिएगा, लगा लिए, बहुत बढ़िया आपने आंसर। आप थोड़ा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन चूजिंग दी करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ दी गिवन अल्टरनेटिव। ग्रैंडमदर कंप्लेन दी ऑथर विल गोइंग टू स्कूल, वेट ऑफ दी बेब वॉकर व्हाट वाज, 30 ton. Where did the painter enter in the lesson landscape of the soul? Cave. With reference to the lesson, the aligning planet, green movement of a Rolf in the blanks. इसका आंसर है आपका improve. The age of the poet's mother was 12 year. The movement of the goldfinch is like a lizard. Next, a chilled heart are hidden in the face of an innocent. Infant. तो इस प्रकार से हमारे जो क्वेश्चन 8 थे वो कंप्लीट होते हैं। और अगर आपको क्वेश्चन 9 से आंसर चाहिए तो आप इस वीडियो पर 100 लाइक्स कीजिएगा, मैं आपके लिए जरूर नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। तो दोस्तों थोड़ा मोटिवेट कीजिए हम लोगों को भी, हम आपको तो करते ही रहते हैं, तो लाइक कीजिएगा, मैं आपके लिए अगली वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर आपके पास कोई सा भी पेपर है तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर पेपर भेज सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।